आदरणीय उपसभापति जी, सबसे पहले मैं आज के इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 को समर्थन के लिए जितने सदस्यों ने अपना योगदान दिया है, बहुत अच्छा अच्छा योगदान उन्होंने सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके जो जिन्होंने सदस्यों ने आज अपनी बात रखी है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। सरोज पांडे जी, मुजीबुल्ला खान जी, सुभाष चंद्र बोस पिल्ली जी, रामनाथ ठाकुर जी, एजी सिंह जी और कनाडा का रविंद्र कुमार जी, हम्बीदुरा जी, जी के वसंत जी और अंत में खांगम कोन्याक जी। सर, मैं तो चाहता हूं कि इस तरह का जो बिल आते हैं, शांति से विस्तार से चर्चा हो, सब बात सुने और एक सर्वसम्मति से इस तरह का जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल होता है उसमें पार्लियामेंट में चर्चा हो फिर पारित करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज कांग्रेस और हमारे साथियों ने जो हंगामा किया है, तो सर मैं बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी जितने सदस्यों ने अपने अपने बातें रखे हैं, बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिया है, बिल का समर्थन किया है। सर, संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि भारत का हर परिवार सुखी हो, हर एक परिवार के सदस्य आपस में तालमेल रहो, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो, बच्चे खुशी रहे, परिवार आबाद हो। हिंदुस्तान में हर एक परिवार आबाद होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देशवासियों के लिए सरकार अच्छा कदम उठाए हैं, अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आए हैं, सबके जीवन में छूने वाला स्कीम्स लाए हैं, वो तभी संपन्न होगा जब परिवार में खुशी हो। हम चाहते हैं कि परिवार में खुशी हो, लेकिन सर 1984 फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो प्रावधान था, उस प्रावधान के तरह मैं आपको खींचना चाहता हूँ। सर, सेक्शन सब सेक्शन 3 सेक्शन 1 का उस एक्ट में कहा गया है, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। द एक्ट शेल एक्ट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 14 सितंबर 1984 एंड एज ऑन अप्रैल 2022 देयर आर 715 फैमिली कोर्ट इन द कंट्री व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग इन 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग, सर इंक्लूडिंग जो आज ये बिल लेके आए हैं, 3 फैमिली कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, 2 फैमिली कोर्ट इन नागालैंड। अगर हम आज संशोधन लेके नहीं आते, हजारों केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग है और जिसको अभी वर्ड एट इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार और नागालैंड सरकार ने केंद्र को सूचना नहीं दिया और जिसके तहत केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इसलिए सारा केसेस इनवैलिड हो गया। तो आज जो हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, कौन फैमिली कोर्ट हिमाचल और नागालैंड में जो बनी है उसको वैलिडेट कर रहे हैं और जितना भी केसेस तय किए, हजारों केसेस वहाँ के कोर्ट्स ने, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे करके हम परिवारों को सहूलियत देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, तो बहुत अच्छा से मैं बताना चाहता हूँ, इस माहौल में इन लोगों ने बहुत गड़बड़ माहौल कर दिया है, फिर भी सर हमारे जितने सदस्यों ने अच्छा सा सुझाव दिया है, मैं आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। एक एक मेंबर्स का, एक एक मेंबर्स ने अच्छा अच्छा सुझाव दिए हैं, मैं एक एक जवाब देना चाहता था सर, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सुझाव दिए हैं, लेकिन सर इस माहौल में आप पता नहीं आप क्या कहेंगे। मैं तो जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन इस माहौल में सर चिल्ला चिल्ला के ज़्यादा कहेंगे, उनके तरफ तो उनके कान में बात जाएंगे नहीं। अगर देशवासियों का मौका जाए उसके तरफ जाए, आवाज़ उस तक तो पहुँचे तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे पास लिखित जवाब भी है, जितना सुझाव दिए हैं सबका जवाब मेरे पास है और अच्छा अच्छा चीज़ बताने का भी तर्क मेरे पास है, लेकिन सर
मैं सबको समावित करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि अभी अभी ऑल इंडिया जुडिशियल, हमारे जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस, सबॉर्डिनेट जजेस का पहली बार हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस मौजूद थे, और मैं लोअर जस्टिस मंत्री होने के नाते मैं भी मौजूद था। और उसमें सबके सामने में मैंने सरकार का मत को एक अपील के रूप में सारे जजेस को कहा कि फैमिली कोर्ट्स को प्राथमिकता दिया जाए, और जितना भी फैमिली केसेस को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए, बच्चों को दो एडल्ट के बीच में झगड़ा से बच्चे तड़पते हैं, और माइनर का उनका कस्टडी को लेकर के परिवार के अन्य सदस्यों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि सर हिंदुस्तान में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, दो समुदाय का मिलन होता है। इसलिए अगर एक शादी टूटता है, पूरा परिवार टूटता है, समाज टूटता है। इसलिए हमने सारे जजेस को रिक्वेस्ट किए हैं कि फैमिली कोर्ट के जितने भी केसेस है प्राथमिकता दिया जाए, और जो 11 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है आज हमारे हिंदुस्तान के 715 कोर्ट्स में, उसको जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से मदद कर रहे हैं, लोअर जुडिशियरी का अच्छा सुविधा मिले, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, सारा हम मदद कर रहे हैं। जैसे बिहार से हमारे ठाकुर साहब ने कहा, अन्य सदस्यों ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में एक फैमिली कोर्ट बनना चाहिए। ये हमने सुझाव राज्य सरकारों को भी कह दिया है, और साथ साथ में हाई कोर्ट को भी, क्योंकि हाई कोर्ट और राज्य सरकार मिलकर के तय करते हैं कि कितना फैमिली कोर्ट कहाँ बनना है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे माननीय सदस्यों के जो आवाज़ है उससे मैं सहमत करता हूँ कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट बनाया जाए, और जितना जल्दी हो सके जो 11 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए। जैसे कहा आपने, हमको कहने का मौका दिया, हमारे मेंबर्स को कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और फिर से मैं अपने पार्टी के जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं मेंबर से, शांति से आज के इस बिल को सुना है, समर्थन किया है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिर में सर, हम चाहते हैं कि भारत में हर एक परिवार आबाद हो, एक परिवार के लिए सिर्फ हमको नहीं सोचना है, पूरा परिवार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक परिवार सब कुछ नहीं होता है, भारत में हर एक इम्पोर्टेंट, हर एक फैमिली बराबर होता है। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमको बोलने का दिया, और हाउस को अनुरोध करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 को पारित किया जाए।